हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टिप्स विद मोनिका। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं आपके लिए लाती रही हूँ नई नई सी वीडियो, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। और आज भी मैं एक जबरदस्ती वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ जो है आपके हेयर से रिलेटेड। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक हेयर टोनर जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके हेयर की लेंथ को बहुत ही जल्दी इंक्रीज करेगा। अगर आपके हेयर में जो न्यू हेयर ग्रोथ है वो नहीं हो रही है तो उसको भी बहुत जल्दी प्रमोट करेगा, बहुत ही इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो फेनुग्रीक सीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हेयर को ग्रो करने में। और इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ ली है वो है अनियन सीड्स। जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और असरदार हो जाता है, जो हमारी हेयर की जो हमारे न्यू हेयर है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो बेबी हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में कितने सारे छोटे छोटे जो हेयर्स हैं वो निकल आए हैं, क्योंकि मैं इसी को रेगुलर में यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई रेमेडी यूज करते हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको यूज करो प्रॉपर वे में, 1-2 महीना उसको यूज करो, तब भी उसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक बार आप किसी टोनर को लगाते हो तो एक बार में ही आपको रिजल्ट नहीं मिलता टोनर से, ठीक है ना। कोई चीज़ है, एक हेयर फॉल से रिलेटेड मैंने एक रेमेडी बनाई है जो आपको एक बार में रिजल्ट देती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन बाल जो आपके हैं एक ही दिन में तो ग्रो नहीं कर जाएंगे ना, उसको निकलने में जो आपके पोर्ट्स हैं हेयर्स में, जो हेड में जो पोर्ट्स हैं उनको खुलने में टाइम लगता है, उनसे बाल निकलते हैं तभी आपके बाल आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो, कोई भी रेमेडी मेरी लगाते हो या किसी और की लगाते हो, कोई भी लगाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको टाइम दोगे तभी वो आपके हेयर पे अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपके हेयर को ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है और इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है। आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं अगर आप इसको रेगुलर वे में यूज करते हो तो। सेकंड जो मेरा है वो है अनियन सीड। अनियन सीड हमारे हेयर को ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसको बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ों हमने ले लेनी है और इन दोनों चीज़ों को हमें किसी कांच के बर्तन में डालना है, ठीक है ना। कोई भी रेमेडी हेयर के लिए बनाते हैं तो आप कांच के बर्तन में बनाइए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कांच का जार ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच अनियन सीड, ठीक है। 1 चम्मच अनियन सीड मैंने डाल दिया है और उसी में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स। फ्रेंड्स, आपको जितना बनाना है आप उतना ही, अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों 1-1 चम्मच लिया है क्योंकि मैं कोई भी रेमेडी बनाती हूँ तो कम टाइम के लिए बनाती हूँ, फिर उसको दोबारा बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। इसमें आपको डालना है थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ों की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है वो इक्वल हो जाए, एक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है ग्रीन टी, ठीक है ना। अगर पानी गर्म होगा तभी जो ग्रीन टी है वो अच्छे से अपनी क्वालिटी इसमें छोड़ सकेगी, ये पानी उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 पाउच लिया है नॉर्मल ग्रीन टी का, वो मैंने इसमें डाल देना, अच्छे से आप इसको डिप कर देना और इसके अंदर ही छोड़ देना, इसको हिला के थोड़ा सा, ताकि अच्छे से जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो पानी में मिक्स हो जाए और इसके अंदर ही आपको छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, इसको आपको रात को बना के रख देना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 8-10 घंटे के लिए इसको आपको छोड़ देना है, इसको ऐसे बंद करके 8-10 घंटे के लिए। जब ये पानी ठंडा हो जाता है आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो और 7-8 घंटे में तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा, उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हो। तो आपको ये ऐसे डाल देना है दो तीनों चीज़ों को इसमें, और कोई चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास है तो यहाँ पे कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ऐड कर सकते हो जब इसको अप्लाई करते हो तब। टी ट्री का एसेंशियल ऑयल आपके पास है, लेवेंडर का है,
या कोई और है जो भी आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढक के ये 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हुआ है। तो फ्रेंड्स, 7-8 घंटे के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रेमेडी है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी ये हमारे पानी में छोड़ दी है। और जो हमारा एयर टोनर है वो इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। जब इसको हेयर में अप्लाई करते हो तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये आपके हेयर ग्रोथ में कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि टोनर लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खाने में सभी चीज़ों का यूज करते हैं, सैलड भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, लस्सी भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, तो फिर बालों को सिर्फ एक शैम्पू से धो लेना ही काफ़ी नहीं है, ऑयल लगाया और शैम्पू से धो लिया, नहीं, उनको भी सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग हेयर पसंद है, लॉन्ग और हेल्दी हेयर आपको पसंद है तो फ्रेंड्स, जो मेरी रेमेडी है वो तैयार है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी जितनी मुझे अप्लाई करनी है उतनी एक स्प्रे बोतल में डाल लेती हूँ, ठीक है ना। जब आप स्प्रे बोतल से टोनर को अप्लाई करते हो तो ज़्यादा टोनर नहीं लगता, वो थोड़े से ही अच्छे से, क्योंकि उस स्प्रे से वो पूरे हेयर में आपके फैला देता है। और मैं एक बार स्प्रे बोतल में डाल के उसको यूज करके उसमें ही छोड़ के नहीं रखती हूँ, मुझे जितनी यूज करनी होती है मैं उतनी ही स्प्रे बोतल में डालती हूँ, उसके बाद उसको खाली करके रख देती हूँ। अपनी रेमेडी को मैं कांच के जार में ही रखती हूँ, चाहे वो ऑयल है, कोई हमारा सीरम है, टोनर है, या रिंस वाटर है, कोई भी चीज़ है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको कांच के जार में ही डाल के रखूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपके अनियन सीड्स हैं, फेनुग्रिक सीड्स हैं, वो निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, इसमें से पानी पानी को आप डाल के रख दो, अदरवाइज इसी में रहने दो, और जितनी प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें मिक्स ही होगी, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इनको आप इसी में छोड़ दो और जो आपका टोनर है उसको निकाल लो। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है तो इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको प्रॉपर वे में यूज करो और आपको खुद पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा रिजल्ट आपका है। फ्रेंड्स, जब कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर करते हैं तो उस रेमेडी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बार बनाना, उसको खुद पे ट्राई करना, उसका रिजल्ट देखना, फिर आप लोगों तक लेके आना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करना है। आप देख सकते हो कि मैंने इसको स्प्रे बोतल में डाल लिया है। स्प्रे और कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हो, मैं हमेशा बताती हूँ, जब कोई टोनर लगाते हो या कोई सीरम लगाते हो, जेल लगाते हो, तो उससे पहले जो मोटे टिथ की कोम होती है उससे अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लो, ताकि उसमें गांठे ना पड़े और आपके हेयर ब्रेक ना हो। तो उसको अपने हेयर पे आपको अप्लाई कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल कॉटन बॉल से अपने हेयर में इसको अप्लाई कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, इवन और भी ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि बिल्कुल जड़ों में वो लगता है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो उससे लगा सकते हो, इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है और जल्दी लग जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाना चाहते हो, स्प्रे बोतल से लगाना चाहते हो या फिर कॉटन बॉल से। तो इसको पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जैसे मैंने पहले एक दो वीडियो में भी बताया है, कोई भी चीज़ अपने हेयर में अप्लाई करते हो तो अपने हेयर में एक जो ट्रिक होती है उससे अपने हेयर को, मेरी जो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी सीरम की, उसमें आप चेक कर सकते हो, अपने हेयर को थोड़ा सा राउंड करके उसको हल्के से खींचना होता है। उसको लगाने के बाद उससे जो आपकी हेयर की ग्रोथ होती है वो दुगनी तेज़ी से होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी जो फर्स्ट पहली वीडियो है इसे वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा अप्लाई हो गया है, चलिए फेस टू फेस बातें कर लेते हैं। इसको आपको ऐसे ही लगा के छोड़ देना घंटे के लिए।
फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजी है इस रेमेडी को बनाना। इसको इसी तरीके से आपको बनाना है और प्रॉपर वे में इसको यूज करना है। आप इसको बना के 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। आपको इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है, क्योंकि अब मतलब गर्मियां से स्टार्ट हो गई हैं और ये बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लगाने से 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख सकते हो, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आप इसको अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई कर सके। फ्रेंड्स आप इसको यूज करते हो तो एक प्रॉपर वे में थोड़ा सा टाइम दो, इसको यूज करो, फिर आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है, कितना असरदार है। मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। फ्रेंड्स जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हो, उससे पहले दिन आपको टोनर लगाना है, पहले टोनर लगाओ, दिन में 1 बार लगा लो, उसके बाद 1 बार शाम को लगा लो, उसके बाद ऑयलिंग करो। ठीक है, ऑयलिंग करके कोई पैक आपको लगाना है तो आप पैक लगाओ, उसके बाद अपना हेयर वॉश करो और उसके बाद आप रेंज वाटर में अपने हेयर को डिप करो। सारी चीजें हैं जो प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करते हो तो आपके हेयर की लेंथ बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी जो हेयर की वॉल्यूम है वो भी बढ़ती है। जल्दी ही रेंज वाटर और जो होममेड शैम्पू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय।